वोट का इस्तेमाल करेगा। आगे बढ़ेंगे, चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं और ऐसे में नेता लोगों के बीच में पहुंचकर अपने अपने दावे अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। ऐसे में वोटर की नफ्स टटोलने के लिए इंडिया न्यूज भी पहुंच रहा है वोटर्स के बीच में ही। नागपुर में इंडिया न्यूज पहुंचा, मेट्रो के अंदर ये जाना कि चुनावों को लेकर लोगों का मिजाज कैसा है, उनके मन में क्या चल रहा है और कौन कौन से मुद्दे होंगे जिनके आधार पर वो वोट डालेंगे, सुनिए। हम नागपुर के झांसी रानी स्क्वायर पे खड़े हैं। यहाँ से ये जो लाइफ लाइन है मेट्रो की, यहाँ से नागपुर शहर में हर तरफ से कनेक्टिविटी दी गई है मेट्रो द्वारा। चाहे जिस भी एरिया में जाने की हम नागपुर शहर में बात करें, तो इसी एरिया से सारी कनेक्टिविटी पूरे नागपुर शहर को जोड़ी जाती है। और मैं ठीक बताना चाहता हूँ कि मेरे पीछे नागपुर मेट्रो रेलवे स्टेशन है। हम आज जो है मेट्रो में जो जनता से राय लेंगे कि जिस प्रकार 10 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो दौरा हुआ था, उसके बाद में लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, क्या उनके मन में है। 19 तारीख को लोकसभा का जो पहला चरण नागपुर में होने जा रहा है, साथ में विदर्भ के और भी अन्य जिलों में होने जा रहा है, तो क्या इस बार मोदी जी के आने के बाद में क्या समीकरण यहाँ पर बदले हैं, यही जानने के लिए आज हम नागपुर मेट्रो के झांसी रानी चौक पर खड़े। आइए, मैं कैमरामैन से बोलूँगा, आज वो मेरे साथ आए और हम बात करेंगे। हम बात करेंगे जो भी जो नवयुवा है और जो भी यहाँ पर जो पैसेंजर है, जो यहाँ कंटिन्यू जो अप डाउन करते रहते हैं और जो वरिष्ठ लोग भी हैं, सभी लोग सफ़र करते हैं मेट्रो में, तो हम उनसे राय लेंगे कि आखिर वीआईपी सीट होने के नाते नागपुर एक वीआईपी सीट है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और अपोजिशन कांग्रेस से जो है वो विकास ठाकरे लड़ रहे हैं, तो क्या आखिर जनता ने क्या मूड बनाया है? वोटिंग आता है, आता है। इधर से नहीं है। नहीं आप, लेकिन मतदान तो करते हैं। हाँ, क्या देखते हुए इस बार मतदान करूँगा? हम इधर से नहीं है, फ्रॉम चेन्नई। हाँ, तो क्या देखते हुए वोटिंग का क्या देखते हुए करूँगा? वोटिंग जो है लाइक एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट, इस पे। तो आपको ऐसा लगता है कि सरकार जो अभी मौजूदा सरकार थी उन्होंने डेवलपमेंट किया है? हर एक सरकार का प्लस माइनस पॉइंट रहता है, तो उस हिसाब से फिर अभी ठीक ठाक किया है, बट लाइक और अच्छा हो सकता है, और अच्छा करना चाहिए। यानी स्पेशली मतलब नागपुर का अगर बात करें तो और अच्छा हो सकता है, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट में भी सरकार ने ध्यान देना चाहिए। ओके, तो ये नवयुवा है, इनकी भी मांगे सही है कि रोजगार की तरफ सरकार का ध्यान होना चाहिए। आप कहाँ से हो? मैं चेन्नई से। आप भी चेन्नई से हो, क्या देखते हुए इस बार वोटिंग करने वाले हो? सेम एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट, और भी अच्छा कर सकते हैं। तो सरकार ने डेवलप किया है बट और भी अच्छा और ज़्यादा करने की, यानी ये सरकार को दोबारा मौका देना चाहते हैं? दे सकते हैं सरकार को मौका दे सकते हैं, रोजगार में सरकार को और काम करना होगा, ऐसा नवयुवाओं का कहना है। और भी बात करेंगे, आइए। हमारे साथ और भी लोग हैं इंडिया न्यूज पर। सर, क्या नाम आपका? संजय डायगले। कहाँ से हैं आप? नागपुर से। नागपुर से। 2024 के चुनाव में 19 तारीख आपका वोटिंग, तो आप आता मतदान का प्रयोग तो करते हैं, तो क्या देखते हुए इस बार प्रयोग आपका है? देखा जाए तो आदमी को देखते हुए करना है, डेवलपमेंट विकास। डेवलपमेंट विकास तो बीजेपी। बीजेपी, कांग्रेस क्यों नहीं? नहीं, बीजेपी ने काम अच्छा किया, बिल्कुल किया है और दिख ही रहा है आपके सामने में। गडकरी जी है नागपुर में, तो गडकरी जी ने 100% चुन के आने वाले, नागपुर के साथ साथ देश में भी काम किया, ऐसा कहें? बिल्कुल, सभी तरफ आपको विकास दिख ही रहा है। हर तरफ विकास दिख रहा है, हर तरफ विकास दिख रहा है, ऐसा कहना है इनका। और भी बात करेंगे, आइए। सर, कहाँ से हो आप? मैं नागपुर से। नागपुर से। 19 तारीख को लोकसभा चुनाव है नागपुर में। अच्छा। आपका मतदान आता, मतदान का प्रयोग करते हो? हाँ, करते। क्या देखते हुए इस बार आप वोटिंग? देखो, आने के बाद फलूं पड़ेगा क्या? नहीं, कैंडिडेट को देखते हुए, विकास को देखते हुए, या क्या देखते हुए आप वोट करते?
कैंडिडेट देखेंगे, कैंडिडेट को देखेंगे। जैसे बीजेपी से आपको पता ही होगा नितिन गडकरी है, कांग्रेस से विकास ठाकरे है, तो आपको क्या लगता है सरकार 10 सालों से सरकार ने विकास किया है? नितिन गडकरी अगर यहाँ से है तो वो उसने जो काम किया है जी उसके हिसाब से तो नितिन गडकरी है। वोट देना चाहिए, एक बार फिर चांस देना चाहेंगे, एक बार चांस नितिन गडकरी को भी और मोदी सरकार को, मोदी सरकार दोनों को चांस देंगे, नितिन गडकरी को भी मोदी सरकार को भी। काम अच्छा किया है, डेवलपमेंट है, नागपुर की वीआईपी सीट है, उपराजधानी है, महाराष्ट्र की उपराजधानी, संघ मुख्यालय नागपुर में, बावनकुले चंद्रशेखर बावनकुले बीजेपी प्रेसिडेंट नागपुर से, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर से, सीट काफी महत्वपूर्ण है, लोगों की राय बहुत ज़्यादा जरूरी है और बात करना जरूरी है और ओपिनियन देंगे इंडिया न्यूज से। आई आप नागपुर से जी, 19 तारीख को चुनाव जी, क्या देखते हुए इस बार वोटिंग करेंगे? बीजेपी तो है, बीजेपी है, बीजेपी ने कुछ काम किया जो बीजेपी को दोगे या कांग्रेस या जो भी रहे, हम तो उन्हीं का देते आए हैं, हम देंगे काम आपको, सबके पर्सनल किसको किसको करेंगे, सरकार कोई भी है देना बीजेपी को, जी सरकार जो भी है देंगे बीजेपी को, कट्टर वोटर है और बीजेपी को ही देंगे, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, सीधी और साफ भाषा में इनका कहना है। और बात करेंगे, आइए क्या नाम आपका? पवन चौधरी। नागपुर से आप? वर्धा। वर्धा से, वर्धा महाराष्ट्र इंडिया हर तरफ चुनाव, क्या देखते हुए आप यंग हो, क्या देखते हुए इस बार वोटिंग करो, कुछ मुद्दे आपके दिमाग में? फिलहाल तो नहीं, अभी फिलहाल तो अभी जो है बेरोजगारी के सबसे, बेरोजगारी का मुद्दा, तो इस बार जो है बेरोजगारी के देखते हुए वोट दोगे या डेवलपमेंट किया सरकार ने वो देखते हुए वोट दोगे? सरकार का डेवलपमेंट देखते, डेवलपमेंट देखते हो, डेवलपमेंट सरकार जो मौजूदा सरकार उन्होंने डेवलपमेंट किया है? हाँ थोड़ा बहुत किया है, डेवलपमेंट किया है, एक बार और चांस देना चाहेंगे? हाँ देना चाहेंगे। या कुछ अन्य विकल्प है जैसे अपोजिशन में कांग्रेस भी है, या उनको भी चांस देना चाहेंगे? उनका भी हमने, उनकी भी सरकार देखी है, सरकार देखी है, उनकी भी देखी है और इनकी भी देखी है, इन्होंने कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत भी किया है, अभी इंडिया का जीडीपी वगैरह बढ़ा दिया है, जीडीपी बढ़ा और बहुत सारे काम भी किए मोदी जी ने, अभी धीरे धीरे बेरोजगारी भी खत्म कर देंगे, जीडीपी भी बढ़ा है, बेरोजगारी भी कम हो रही है थोड़ी थोड़ी, एकदम से कम नहीं होगी ना। कांग्रेस ने काम नहीं किया, कांग्रेस ने काम नहीं किया, बीजेपी ने काम किया, फिर एक बार चांस बीजेपी को देंगे? रोजगार थोड़ा बहुत खत्म हुआ है, डेवलपमेंट बहुत अच्छा किया, डेवलपमेंट की हम बात लगातार जो हम लोग जनता से पूछ रहे हैं या देख रहे हैं जिस प्रकार से कि मेट्रो में जो है अलग अलग जो है राज्यों के भी लोग मिल रहे हैं, लोकल भी मिल रहे हैं, कुछ लोग अपने गांव जा रहे हैं वोटिंग के मद्देनज़र कि वो गांव पहुंच के वोटिंग कर पाए। वोट करना हर नागरिक का अधिकार है और जागृत रहना वोटिंग के प्रति ये भी जरूरी है। इंडिया न्यूज़ नागपुर से कैलाश सुमन की रिपोर्ट।